पहला पॉइंट याद रखें, बहुत से लोग सवाल करते हैं और बहुत से लोगों ने सवाल किया जिसके नतीजे में ये सवालात फिर हमने तैयार किए, उसके जवाब वो किए, ठीक है। आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं रोज़े की हालत में, इसी तरह जो है ईयर के अंदर, कान के अंदर कुछ डालना है दवा वगैरह रोज़े की हालत में, आँख में डाल सकते हैं, ईयर ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, इसी तरह जो है नोज़ ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं रोज़े की हालत में। लेकिन नोज़ ड्रॉप के ताल्लुक से ये बात आपका, आपको खास ख्याल रखना होगी कि वो ड्रॉप जब नाक में जाए तो हलक में ना जाए, और हलक में जाए तो फ़ौरन निकल कर बाहर आ जाए, थूक दे आप उसको, ये बात आपको याद रखना है। समझना बात को, मैंने पहले कह दिया जितनी बातें मैं कहूँगा कोई भी चीज़ मुँह से अंदर नहीं जाना है सिवाय गैस के, ठीक है। तो यहाँ नोज़ ड्रॉप आप डाल सकते हैं ज़रूरत है तो, लेकिन अगर वो अंदर जाने का खदशा है तो आपको थूकना होगा, याद रखें। डर है कि चला जाएंगा तो मत डालिए फिर, लेकिन ईयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं, आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, नोज़ ड्रॉप डाल सकते हैं, नेजल स्प्रेज जो सिर्फ नाक के लिए यूज़ होते हैं डालना चाहे तो आप उसमें डाल सकते हैं, याद रखिए। तब तक ये काम आप कर सकते हैं जब तक कि ये हलक के ज़रिए अंदर ना जाए। इसी तरह आपको अगर ईयर रिंसिंग कराना है, अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बनें। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।